क्या बात है यार, अनलिमिटेड बिल्कुल। बफे के अंदर आ गए मैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, क्या हाल चाल है? बस ठीक मैम। कितना टाइम हो गया बफे खोले अपने को यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया हमें बफे खोले। मैम काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं, अभी आपके शहर में आया हूँ, मेरे को इतने सारे DM, इतने सारे मैसेज आ गए ना इंस्टाग्राम पे, लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको अला कार्ट जैसा खाना बफे में खाना ना, तो भाई यहाँ पे जरूर आके विजिट करो। हमारे पास 16 प्लस आइटम्स है, जैसे कि देखो चने, बेस्ट क्वालिटी के चने हैं। वाह भाई, ये आगे अमृतसरी छोले, और छोले का साइज चेक करो, ये कौन सी क्वालिटी के मैम चने? ये ट्रिपल डॉलर क्वालिटी के चने हैं। साइज देखिए आप चने का, ये देखो भाई एकदम बढ़िया, और लुक है ना जो भाई वाकई में अला कार्ट वाली आ रही है। पहली आइटम ने तो खुश कर दिया, आगे दिखाइए मैम। ये देखिए दाल मखनी, ये हमारे रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश है। वाह ये रे भाई, दाल मखनी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल है, एकदम गाढ़ी। हुआ ये देखिए पुलाव, आप देख सकते हैं कितने पुलाव, तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला ही है। हमारे रेस्टोरेंट में हमेशा फ्रेश खाना आता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा खाना रखते हैं हमेशा। वाह भाई, लगातार जो है ना फूड आता रहता है किचन से, तो फ्रेश प्रिपेयर करते हो आप, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या मैम आगे दिखाइए? ये हमारा कढ़ाई पनीर है। वाह भाई कढ़ाई पनीर देखो, एकदम गाढ़ी ग्रेवी, मतलब असली कढ़ाई पनीर मैं बोलूंगा वो चीज है। नेक्स्ट दिखाइए मैम क्या है ये? ये देखिए ये पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। वाह ये आ गया भाई पंजाबी कढ़ी पकौड़ा, और ऊपर प्रॉपर रोगन है, बहुत ही शानदार। और बफे के मैम टाइमिंग्स क्या रहते हैं अपने पास यहाँ पे? लंच और डिनर दोनों होते हैं। और लंच और डिनर दोनों मिल जाएगा? हाँ जी। वाह भाई, और नेक्स्ट दिखाइए मैम ये क्या है? कि ये मिक्स वेज है। वाह ये देखो भाई मिक्स वेज, और बढ़िया भाई फ्रांस बीन दी फलियाँ, ये देखो भाई बढ़िया बीन्स डाली हुई है, गोभी है, आलू है, और साथ में गाजर ढेर सारी। हुआ और ये व्हाइट सॉस पास्ता। हाँ जी, कभी हमारे रेस्टोरेंट में व्हाइट सॉस, कभी रेड सॉस पास्ता। तो डेज के हिसाब से मेन्यू चेंज करते रहते हो? हाँ जी। डेली भाई मेन्यू चेंज होता रहता है, आज है व्हाइट सॉस तो कल रेड सॉस मिलेगा मैम, है ना? हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, और आगे दिखाइए मैम ये क्या? ये देखिए चाम्प, इसकी भी वैरायटी चेंज होती रहती चाम्प है। चाम्प अपने पास? हाँ जी सर। क्या बात है यार, ग्रेवी वाली चाम्प और इसमें भी वैरायटी चेंज होती रहती है। कौन कौन सी चाम्प मिलती है वैसे नॉर्मल? मलाई चाम्प, ग्रेवी चाम्प, ऐसे चेंज होते हैं। क्या बात है, अगर चाम्प खाने के शौकीन हो ना तंदूरी, तो ये भी मिल जाएगी बाहर, तो भाई इतने में एक प्लेट मिलेगी, यहाँ पे अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खा लो, है ना? बहुत ही बढ़िया। ये आ गई भाई चाउमीन, और ये क्या मैम ये भी खत्म होने वाली है? आपको बताया ना सर मैंने, जो अला कार्ट में ऑर्डर होता है वही इधर होता है, अगर कस्टमर मांगेगा तो फ्रेश ही मिलेगा। क्या बात है, मतलब अगर भाई नूडल खत्म हुए तो जितने चाहिए उतनी फ्रेश प्लेट लगेगी। हाँ जी। आप इकट्ठा बना के नहीं रखते? नहीं नहीं बिल्कुल फ्रेश। क्या बात है यार, तभी लोग बोल रहे हैं अला कार्ट जैसी क्वालिटी है ये नूडल्स रहे। आगे क्या मैम? ये देखिए मंचूरियन। ये देखो भाई मंचूरियन, इसके बिना तो नूडल्स अधूरे हैं, मंचूरियन ना हो। और एक और चीज़ मैम मेरे को अच्छी लगी, आपने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डाला हुआ थिक करने के लिए, बिल्कुल नेचुरल ग्रेवी। बिल्कुल नेचुरल है ये। वाह ये देखो भाई एक बार अच्छे से मैम, एक बार बॉल्स दिखाइए इसके, बढ़िया। ये देखो यार वाह एकदम बढ़िया मंचूरियन। नेक्स्ट क्या चीज़ है मैम? ये फ्राइड राइस है, बिल्कुल फ्रेश बने हैं, एकदम बढ़िया बासमती खिले खिले चावल हैं, और कमाल के लग रहे हैं भाई ये भी, बहुत ही बढ़िया। और नेक्स्ट क्या मैम? ये रायता। ये देखिए रायता, इसमें ये मिक्स रायता है। वाह मिक्स, ये भी चेंज होता रहता होगा? हाँ जी, कभी बूंदी रायता बनता है, कभी ये वाला बन जाता है, और कभी प्लेन भी बन जाता है। बहुत ही बढ़िया भाई, तो जब भी आप आओगे चीज आपको अलग देखने को मिलेगी। मैम सारी वेजेस तो दिखा दी, अब ब्रेड्स में क्या आएगा इसके साथ आप गिनो। क्या बात है सर, बताइए क्या क्या है? सबसे पहले ये मिस्सी रोटी। भाई मिस्सी रोटी आ गई यहाँ पे, बढ़िया। ये तो सर लच्छे पराठे के पापा लग रहे हैं। इसका साइज चेक कीजिए आप। वाह एकदम बड़ा लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद ये बटर नान आ गया, बहुत ही बढ़िया। और जो कोई भी नहीं देता हम वो दे रहे हैं इसमें स्टफ नान। स्टफ नान भाई बफे के अंदर अनलिमिटेड। सर ये तीन खा गया कोई? फिर कोई बात नहीं, चाहे 10 खा जाए। क्या बात है यार, अनलिमिटेड बिल्कुल। भाई सब कुछ बता दिया, क्वालिटी बता दी, पर मजा तो तभी आएगा ना, स्वाद हो तो स्वाद चेक करते आओ, और स्वाद चेक करेंगे नए तरीके से। पाजी इस थाली दिखाओ, सब जगह होती तीन चार बॉक्सेस वाली थाली, यहाँ पे आप देखो जितना सामान है उतने बॉक्सेस। आज भाई सारी आइटमें टेस्ट करेंगे, तो आ जाओ। सबसे पहली जो चीज़ आई है वो आई है दाल मखनी। वाह, और अमूल मक्खन के अंदर बनी हुई दाल है, एकदम बढ़िया। ये देखो, तो ये आ गए जी छोले। अमृतसर में आए हो और अमृतसरी छोले नहीं खाए भाई, फिर ट्रिप अधूरा है। तो बफे में है पर अमृतसरी छोले जरूर लिए जाएंगे। ये नेक्स्ट आ गया जी कढ़ाई पनीर, तो बढ़िया थिक ग्रेवी वाला पनीर, भर भर के पनीर ज़्यादा ज़पेट लेते हैं। और ये नेक्स्ट आ गई भाई मिक्स वेज। ये यार थाली का कॉन्सेप्ट बड़ा सही लग रहा है मेरे को, एक तो सब्जियाँ ज़्यादा आ गई, और देखो भर भर के पूरा चाप मसाला।
वाह, और एकदम थिक ग्रेवी वाली है। और भाई सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग तो ये लग रहा था, इतना चीज़ी पास्ता ना, ये देखो एकदम बढ़िया वाइट सॉस पास्ता। और देख लो भाई कितना थिक है, उतर भी नहीं रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीट मेन कोर्स में डाली है, कड़ी और राइस रह गए हैं। और यहाँ पे आओ भाई, ये चेक करते हैं, ये आ गए भाई नूडल्स। और आप एक बार कमेंट करना आपको देखने में क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि नूडल्स ना बिल्कुल वैसे ही अलग आड़ वाले, वो मोटे मोटे नहीं है। और ये आगे आ गया जी मंचूरियन, और एकदम बढ़िया फाइन डाइन वाला मंचूरियन है। इसका ऊपर बढ़िया से बेड बना के, भाई क्लोजअप से दिखाना ये चीज़, ये देखो। अरे वाह, और ये भाई आ गया फ्राइड राइस। ये भाई पूरा पैसा वसूल प्लेट लग रही है, क्योंकि भाई जो कंपार्टमेंट्स बनाए ना इन्होंने, इस वजह से फूड में वैरायटी बहुत आ गई है। भैया प्लेट चेक करो, और जो चपाती है वो टेबल पे आएगी, आपको वो दिखाते हैं। उससे पहले इधर आओ, मंचूरियन नूडल्स और एक सरप्राइज़। भाई वीडियो पूरी बना ली, उन्होंने बताया कि सर स्वीट डिश में खीर भी है आइसक्रीम भी है, तो खीर ले ली, वन टाइम मिलेगी, पूरा खाना खाओ बाद में मीठा खाओ। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई नूडल्स के साथ। ये आ गए नूडल्स, भाई पहली चीज़ ने खुश किया, नूडल कमाल के हैं, थोड़े लेस स्पाइसी हैं, और रेस्टोरेंट वाले माहौल के हैं, रोड साइड वाले नहीं। अब मंचूरियन देखते हैं बॉल, इस साथ में मंचूरियन। ये वाला कॉम्बो तो यार परफेक्ट हो गया, जिसके उन्होंने जोर लगाया कि हमारी अला कार्ट वाली क्वालिटी है, ये दो चीज़ों में तो भाई है। आ गया वो पास्ता पे, ये देखो एकदम ड्राई पास्ता है, और चीज़ वीज़ बढ़िया डाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ी है। मेरे को थोड़ा वो जो चलता है ना प्रॉपर ग्रेवी वाला वैसा पसंद है, पर ये एकदम थिक वाला पास्ता है, समझ रहे हो ना, थिक पास्ता। अब साथ में जी फ्राइड राइस, ग्रेवी तो मंचूरियन के बीच में घुल मिल गई है, तो फ्राइड राइस ऐसे ही टेस्ट करके देखते हैं। और ये पास से देखो इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट लग रही है, एक बार क्लोजअप से देखो यार, ये तो आप देख रहे हो ना फाइन चावल है, वो बफे वाला माल नहीं है, अला कार्ट वाला ही है चावल भी। तो बटर नान सबसे पहले ट्राई करते हैं जी पनीर के साथ, तो ये देखते हैं कैसा, एकदम थिक ग्रेवी है, पनीर बिल्कुल सॉफ्ट है, और ना मीठी नहीं है बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं। तो ज़्यादातर क्या होता है बफेज में, आपको पता ही है, हर बफे में बोल देता हूँ कि भाई मीठी है ग्रेवी मीठी, यहाँ पे खुश हूँ मीठी नहीं है ग्रेवी। अब नेक्स्ट आओ जी दाल, एकदम गाढ़ी अमृतसरी दाल, ये बढ़िया भाई, एकदम ढाबा स्टाइल दाल है, वो नहीं है रेस्टोरेंट वाली जो क्रीम व्रीम डाल के फैंसी कर देते ना, वो चीज़ नहीं है, ढाबा स्टाइल है दाल। आगे मिक्स वाली ट्राई करते हैं, यार मिक्स वेज ना बिल्कुल वो रेस्टोरेंट स्टाइल है, पर मेरे को ढाबा स्टाइल पसंद होती है, जो थोड़ी होती है ना ग्रेवी वाली सेमी वैसी, एकदम सूखी सूखी वाली मिक्स वेज है। तीनों जो मैंने सब्जियां खाई हैं उसमें से भाई पनीर सबसे अल्टीमेट है, सबसे मज़ेदार है, सबसे कमाल है। अमृतसर मैंने इससे पहले भी मैंने एक बफे ट्राई किया, अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैंने जितने बफे एक दो ट्राई किए अमृतसर के, मेरे को सबसे बेस्ट लगा है, ऊपर रखूंगा लिस्ट के, क्योंकि एक तो सब्जियों की क्वालिटी बढ़िया है, आइटम्स बढ़िया, चॉइस ठीक है। अगर खाने पीने के हो शौकीन, अमृतसर में आए हो घूमने, तो भाई बफे है आपके लिए, 200 रुपये में पेट भर के खाओ और जितना मर्जी खाओ। तो लास्ट बाइट लेता हूं मैं चांप के साथ, अगर आपको भी खाना तो भाई मेडिकल इंक्लेव में टाइम्स तंदूरी, गूगल की लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्लिक करो आओ, बाकी नेट पे भी सर्च करोगे ना नाम आ जाएगा इनका, लंच और डिनर दोनों है, निराश नहीं होगे, 199 तो पक्के ही वसूल है भाई, पक्के ही।